देखिए सुबह हम लोग क्या सुन रहे थे, ध्यान दीजिएगा। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। और घूमते समय होता क्या है कि प्रकाश घटता और बढ़ता है, उजाला पाख अंधेरा पाख ये होता है। उजाला और अंधेरा पाख जो होता है, इसमें होता क्यों है ये? कभी उजाला पाख बड़ा, कभी छोटा, कभी उजाला अंधेरा पाख एक दूसरे से लगा हुआ, इस तरीके से होता है ये। तो एक एक चीज जो होता है उसमें सृजन होता है। देखिए जैसे ये पूर्णिमा है, यहाँ पर अनेक चीज़ों का निर्माण होता है। अमावस्या के दिन निर्माण की क्रिया दूसरी तरह से होती है। यहाँ से यहाँ तक जब चंद्रमा की गति होती है, हर जगह पर निर्माण का क्रम बदलता है। किसका निर्माण? मन और बुद्धि का निर्माण, चित्त और जीवभाव का निर्माण, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के अंदर जो शक्ति है उसका निर्माण, और जो ज्ञानेंद्रियों के लिए जो तत्व है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से संबंधित जितनी चीजें हैं सबका निर्माण होता है। तो कितनी वैरायटी होती है, जितने बिंदु हैं ये, हर बिंदु पर अनगिनत वैरायटी। जैसे चंद्रमा यहाँ पर है, कितनी वैरायटी पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, आप गिन लीजिए। जैसे चंद्रमा थोड़ा खिसके फिर नए तरह की चीजें हो जाएगी। इस तरह से चंद्रमा की गति पर जो अधेरा पाक उजाला पाक होता है, इसमें असंख्य रचनाएं प्रकट होती हैं। उन रचनाओं की रक्षा के लिए उसी समय विष्णु की शक्ति काम करती है, उसी समय रचनाओं में परिवर्तन और शिव शक्ति कार्य करती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये क्यों होता है? ये उजाला पाक अधेरा पाक दोनों महत्वपूर्ण है। ढेर सारा निर्माण अधेरा पाक में होता है। पता चला कि अधेरा पाक इतना है, उजाला पाक इतना, बाकी अधेरा है, तो इसमें जो निर्माण होगा अलग तरीके का होगा। पता चला उजाला पाक बढ़ गया और सीजन बदल जाएगा सब। तो निर्माण की जो अनगिनत चीजें दिखाई पड़ती हैं, पेड़ों की संख्या अनंत, जीव जंतु अनंत, बैक्टीरिया वायरस अनंत, आकाश गंगा, हजारों आकाश गंगाएं प्रकट हो रही हैं, अदृश्य हो रही हैं। ये सब का कारण जानते हैं? ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चांदनी और उजाला पाक अंधेरा पाक उजाला पाक ये होना बहुत ही आवश्यक है। ये पूर्णिमा होना, अमावस्या होना बहुत आवश्यक है। ये जो जो चीजें हो रही हैं ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए किसी की निंदा ना करिए। बहुत गर्मी है ऐसा ना कहिए, बहुत जाड़ा है ऐसा ना कहिए। बस आप किसी की निंदा करना बंद कर दीजिए। ये चीज आप अपनाइए। जब आप इसको सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये क्रिया के सिद्धांत के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली। दिस इज द मून, दिस इज द अर्थ। मून इज रोटेटिंग, moon is revolving around the earth. They call it revolving. And at the same time you will find this light is decreasing, light is increasing. Now you see this is the light. This is the light, rest is the dark. In this condition, find infinite number of plants, animals, atom molecules, energy waves, all are created. When now the light is increasing, now the creativity will change. You will find different varieties of worms, animals, bacteria, virus, atom molecules, all will be created. Therefore, this variation in the light is very important. Variation in the dark, very important. Now let us see. Now this is the half light and half darkness. half light, half darkness. In this you will find the new dimension of creation. New kind of thoughts, ideas, concepts, atom, molecules, bacteria, virus, different kind of the worms. Therefore, God, in order to manifest into many, this good system is made. In the same way, you can find this season, summer, winter, rainy season, many other kind of season. You can just locate each and every moment is new season. These variations are very important. Through these variations, God is able to manifest nature of God. One God has become many. If you criticize summer or winter or rainy, if you criticize, oh, moonlight is very good, oh, very good moonlight, today dark night, oh, it is not good, don't say this. Each and every moment, each and every phenomena is most important. If you criticize anything, that will be the cause of illness, sickness. अगर आप किसी इंसिडेंस को क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आप सेवा करिए, क्रियायोग ध्यान करिए, क्रियायोग ध्यान करते करते, सेवा करते करते एक दिन समझ में आ जाएगा कि जितनी ऋतुएं हैं, जितने प्रकार की संरचनाएं, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अलास्का में बर्फ ही बर्फ है, इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होता है, कहीं एकदम बर्फ, कहीं नहीं, कहीं पहाड़ ही पहाड़, कहीं समतल। इससे जो विविधता है बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कि नहीं अलास्का बहुत गड़बड़ है, वहाँ खाने का नहीं, हर आदमी जानवर मार करके इसे फेंक देता, बर्फ में सड़ता नहीं, फिर काट काट कर कच्चे मांस खाता है या थोड़ा भून लिया। वो कोई जीवन है नहीं, वो जीवन है, वो उस तरह का जीवन भी आवश्यक। आप प्रयागराज में रहते हैं, ये भी आवश्यक। इस तरीके से याद रखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी घटना की निंदा ना करिए, किसी भी क्लाइमेट की निंदा ना करिए, उसको समझिए। कैसे समझेंगे, पढ़ के समझ में नहीं आएगा। खूब क्रियायोग ध्यान करिए, खूब सेवा करिए। जितनी देर क्रियायोग ध्यान करेंगे आप सच के साथ होंगे।